Hello students, my name is Shweta Tiwari and today I am going to teach you an English grammar and our topic is verb. आज हम जो है verb के बारे में पढ़ेंगे. Verb को हिंदी में क्रिया कहते हैं and आज हम जानेंगे कि verb होता क्या है. A verb when defines any action or with being someone. जब भी किसी action, किसी भी noun या pronoun किसी भी चीज के एक्शन के बारे में डिफाइन किया जा रहा हो या किसी के होने के बारे में किसी के बारे में बात की जा रही हो उसको क्रिया कहते हैं. क्या कहते हैं? अ वर्ब दैट डिफाइंस अ वर्ड ऑफ एक्शन और being something. That is known as a verb. यानी कि जब किसी शब्द के एक्शन के बारे में डिफाइन किया जा रहा होगा या किसी वर्ड के एक्शन के बारे में डिफाइन किया जा रहा होगा या जब किसी के होने के बारे में किसी के बारे में बात की जा रही होगी तो दैट इज अ वर्ब. वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूं. आई एम अ स्टूडेंट. ओके, मैं स्टूडेंट हूं. यानी कि यहां पे क्या बताया जा रहा है कि एक इंसान उसकी कॉमनर या उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है. आप यहां पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं. ही इज अ स्टूडेंट. यानी कि किसी और आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं. ही इज अ स्टूडेंट. यानी कि वह विद्यार्थी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी के बारे में किसी के वो इंसान क्या है? विद्यार्थी है. किसी के बारे में बात की जा रही है तो दैट इज द वर्ब. यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब. एक और एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल एन एप्पल इज स्वीट. सेब की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है. एप्पल क्या है? एप्पल इज स्वीट. किसके बारे में बात करी जा रही है? एप्पल के बारे में. एप्पल क्या है? मीठा है. क्या है? एप्पल मीठा है. तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है? वर्ब. क्यों? क्योंकि एप्पल की क्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि एप्पल किस तरह का होता है. मीठा है एप्पल. ठीक है, तो जब किसी के एक्शंस के बारे में बात की जा रही है, हम एक एक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज राधा इज डांसिंग. अब यहाँ पे राधा का एक्शन के बारे में बताया जा रहा है. राधा क्या कर रही है? राधा डांस कर रही है. सो ये क्या हो गया? ये एक्शन ऑफ वर्ड हो गया. तो ये हमारा वर्ब शो कर रहा है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको ये समझ में आएगा वर्ब क्या होता है. जब भी किसी के बारे में किसी की क्वालिटी किसी के एक्शन किसी के होने के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि वर्ब को किस किस तरीके से कैसे यूज किया जाता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर. किसका इस्तेमाल? इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे. पढ़ेंगे कि वर्ब में इज एम आर का इस्तेमाल कैसे होता है. यूज ऑफ इज एम आर. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है इज एम और आर के बारे में यूज करने की. हम इज एम आर को कैसे यूज कर सकते. तो अब हम जानेंगे यूज ऑफ इज एम आर. मैंने यहाँ पे इज एम आर के यूज का एक टेबल बनाया है कि हम ये चेक करेंगे कि हम वर्ब में इज एम आर का इस्तेमाल कैसे करते हैं. देखिए स्टूडेंट, इज को हमेशा ही और शी के साथ यूज किया जाता है. वी विल यूज इज विद ही और शी. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं. फॉर एग्जाम्पल शी
अ गर्ल और ही इज अ बॉय, राइट। ये हमारे करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि जहां भी ही और शी आएगा वहां पे हम इज का इस्तेमाल करेंगे, ओके। अब हम एम का इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी आप आई का इस्तेमाल हो रहा होगा। हमेशा आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, लाइक आई एम अ राम, ओके। आई एम अ स्टूडेंट। तो ये क्या है, यहां पे आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आई लग रहा है तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। नाउ कम टू द आर। आर को हम हमेशा यू वी दे के साथ यूज करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्वीट गर्ल, स्वीट गर्ल। दे आर बिजी, दे आर बिजी, ठीक है। तो हम आर का इस्तेमाल कब करते हैं, जहां भी यू वी दे से कोई भी सेंटेंस का इस्तेमाल, यू वी दे का इस्तेमाल हो रहा होगा किसी भी सेंटेंस में, वहां पर हम आर का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इज एम आर। हेयर आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज चेक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारे यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगी। सो प्लीज कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। हाउ गुड डे।